हमारे यहाँ पर 14 नंबर दिया है 2x+3 बाई में 4 माइनस का 3 इज लेस देन x माइनस का 4 बाई 3 माइनस का 2। चलिए बोथ साइड पहले एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 4 2x प्लस का 3 माइनस 12 हो जाएगा इज लेस देन, इधर एलसीएम हो जाएगा 3 x माइनस का 4 माइनस का 6 हो जाएगा, तो आ जाएगा 4x माइनस का 9 बाई में 4 इज लेस देन x माइनस का 10 बाई में 3। अब क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड क्योंकि दोनों का कॉमन मल्टीपल दिख रहा है, अपन लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 12 इन बोथ साइड। देखिए 12 से मल्टीप्लाई करके अब क्या होता है यहाँ, ठीक है चलिए अब देखिए क्या होता है, 2x माइनस का 9 बाई 4 इंटू में 12 इज लेस देन x माइनस 10 बाई में 3 इंटू में 12, ये यहाँ से 4 टाइम्स में, यहाँ से ये 3 टाइम्स में, तो आ जाएगा आपका 6x माइनस का यहाँ 27 इज लेस देन 4x माइनस का 40 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर लिखते हैं एडिंग 27 इन बोथ साइड, ठीक है क्या हो जाएगा 27 ऐड करने पर, तो 6x माइनस 27 प्लस का 27 इज लेस देन 4x माइनस का 40 प्लस का 27 ऐड करते हैं, ये यहाँ से हट जाएगा 6x इज लेस देन 4x और माइनस का यहाँ 13 हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें से हम क्या लिखते हैं, लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग 4x इन बोथ साइड, ठीक है चलिए इस 4x को हटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा अपन क्या 6x माइनस का 4x इज लेस देन 4x माइनस का 13 माइनस का 4x, यहाँ से आ जाएगा 2x यहाँ से हट जाएगा इज लेस देन माइनस 13। अब क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, लिखते हैं डिवाइड बाई टू इन बोथ साइड, ठीक है 2 से डिवाइड करने पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा 2x बाई में 2 इज लेस देन माइनस 13 बाई में 2, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे आ जाएगा x इज लेस देन माइनस का 13 बाई 2, यानी कहने का मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस का 13 बाई 2 के बीच में लाइन करेंगे, यही ना हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।